रीवा में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद शहीद मिस्त्री विगत दिनों पार्टी से नाराज होकर पार्टी छोड़ने का निर्णय ले चुके थे, लेकिन वरिष्ठ नेताओं के द्वारा मान मनोबल के बाद पार्टी छोड़ने की जिद छोड़ दी। शहीद मिस्त्री के पार्टी छोड़ने से कांग्रेस को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता था। कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें शहीद मिस्त्री ने बताया कि वो वर्तमान में महापौर पद के लिए घोषित किए गए पार्टी प्रत्याशी अजय मिश्रा बाबा के करीबी हैं। जिन मुद्दों को लेकर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की थी, उन मुद्दों को पार्टी ने स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही अन्य कांग्रेसियों ने कहा कि कांग्रेस भाजपा को जड़ से उखाड़ कर फेंक देगी। हालांकि अपनी गुटबाजी के लिए चर्चित कांग्रेस पार्टी विगत 20 वर्षों से यही राग अलाप रही है, लेकिन चुनाव के समय जिस तरह से गुटबाजी सामने आती है, वो किसी से बताने वाली बात नहीं है। हालांकि इस चुनाव में भी गुटबाजी अपनी चरम पर है और अब देखने वाली बात यह होगी कि इस गुटबाजी को दूर करने में कांग्रेस ही कितना सफल होते हैं, क्योंकि जिनके द्वारा भाजपा को उखाड़ कर फेंकने की बात कही जा रही है, इन्हीं के विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के खिलाफ ऑडियो वायरल हो चुके हैं। आइए सुनते हैं शहीद मिश्री और अन्य ने क्या कहा। फिर हम जो है अभी इस महापौर का ये टिकट जो डिक्लेयर हुआ, हमारे अजय मिश्रा बाबा जी बिल्कुल साथी हैं, क्लोज हैं, हमारे बड़े भाई हैं और हम लोग करीब 30 साल से उनसे हमारा संबंध है, घर जैसा संबंध। कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छा अपने यहाँ जो है मध्य प्रदेश में निर्णय लिया कि भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट जारी होने से पहले कांग्रेस पार्टी ने अपना महापौर घोषित कर दिया। दो तीन जगह बचे हुए हैं, वहाँ भी जो है एक दो दिन में घोषित हो जाए। और मैं धन्यवाद देता हूँ कमलनाथ जी को कि जहाँ जहाँ भी प्रत्याशी घोषित किए हैं, बहुत अच्छे बहुत जमीनी कार्यकर्ताओं को टिकट मिला है। इस पूरे टिकट डिसाइड होने के बाद शहर में या कि ज़िले के अंदर कोई गुटबाजी का आलम नहीं है। जमीनी कार्यकर्ता को टिकट मिलने से कांग्रेस का ही एक वर्कर खुश है और हम शहर कांग्रेस और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और संगठन के नेतृत्व में सीनियर नेताओं के मार्गदर्शन में इस चुनाव को लड़ रहे हैं और पूरी ताकत के साथ ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ने का काम इस बार कांग्रेस पार्टी करेगी। गुटबाजी का कोई आलम नहीं, गुटबाजी तो देखने को मिल रही है भारतीय जनता पार्टी में कि चार चार नामों की घोषणा एक एक घंटे में हो रही है, किसी के लिए माननीय मंत्री जी, किसी के लिए सांसद जी, किसी के लिए जिला अध्यक्ष जी, किसी के लिए बीडी शर्मा जी, अखबारों मीडियो के माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से हर 15 मिनट में एक महापौर का प्रत्याशी बदलता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, पूरी ताकत के साथ, संगठन की ताकत के साथ हमारे जो आदरणीय जिला अध्यक्ष जी, शहर अध्यक्ष जी गुरमीत भाई मंगू जी के और तमाम जितने हमारे 8 विधानसभा से जो लोग चुनाव लड़े हैं, हमारे लोकसभा के जो प्रत्याशी हैं, सारे सीनियर नेताओं के मार्गदर्शन में आम कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम कर रहा है। आज गुटबाजी का आलम तो अटल कुंज में देखने को मिलेगा कि चार तरफ से लोग खींच रहे हैं, चार गुट के लोग पड़ाके लेके खड़े हैं, किस गुट का महापौर का प्रत्याशी घोषित होगा, कौन पड़ाका फोड़ेगा और कौन किसी और के ऊपर फोड़ के चला जाएगा। आज आलम यह है कि हम पूरी ताकत के साथ एक साथ हैं और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर महापौर जीतने का चुनाव जीतने का काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की ईंट से ईंट बजाने का हम काम कर रहे हैं।